नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हो आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे, कोरोना के कहर से दूर होंगे। आज मैं आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ, क्या आप लोगों ने स्वदेशी अपनाया? क्या आप लोग स्वदेशी के मार्ग पर चले? सबसे पहले, सबसे बहुत इम्पोर्टेंट बात है, मैं आपसे पूछना चाहूँगी, चीन में कभी होली नहीं मनाई जाती, कभी होली नहीं मनाई जाती चीन में, लेकिन आप लोगों को गुलाल चीन का चाहिए होता है। क्यों? क्योंकि वो अच्छा होता है या सस्ता होता है? सस्ता होता है ना, इसलिए भारत का गुलाल खरीदने की आपकी हिम्मत नहीं होती। जहाँ आप चीन का भर भर के गुलाल खरीदते हो, वहाँ भारत का थोड़ा सा गुलाल खरीद लो, अगर आपको गुलाल की होली खेलनी है तो। वरना किसने कहा है कि होली गुलालों से खेलो, आप तो होली फूलों से खेलो। हमारे कृष्ण कन्हैया ने फूलों से होली खेली थी, आप भी वही होली खेलो। किसने कहा है आप गुलालों से होली खेलो? सबसे बड़ी बात, चीन में कभी दिवाली नहीं मनाई जाती, लेकिन आप लोगों को लाइटिंग चीन की चाहिए होती है। वाई? क्यों? क्योंकि चीन की लाइट सस्ती आती है, आप ढेरों लाइट लगा लेते हो अपने घरों में, और भारत की लाइट खरीदने की आपकी हिम्मत नहीं होती, आपका बजट नहीं होता कि आप भारत की लाइट खरीद सको। तो किसने कहा है आप चीन की 10 लाइट खरीदते हो, वहाँ भारत की एक लाइट खरीद लो। और हमारे इंडियन कल्चर में तो दीपों की दिवाली बनाई जाती है, आप दीपों की दिवाली बनाओ ना, कि लाइटिंग लगाना ज़रूरी है आपका? मुझे तो नहीं लगता आपकी लाइटिंग लगाने से ही आपकी दिवाली बनेगी। अगर आप चाहते हो कि आप स्वदेशी बनो, तो चीन से, चीन के सामान से दूरी बनाओ, आप भारत का सामान खरीदो, आप भारत के लिए जियो। और गर्व से कहते हो ना आप कि हम हिंदुस्तानी हैं, अभी स्वतंत्रता दिवस आने दो, गणतंत्र दिवस आने दो, सबकी डीपी देखना, ये सब दिखावा है, अपना तो कोई नहीं है, सब दिखाने के लिए जोश दिखाते हैं। उस दिन तो इतना जोश दिखाया जाता है लोगों में कि पता नहीं क्या क्या स्टेटस लगते हैं, क्या क्या लोग अपने स्टेटस लगाते हैं, बोलते हैं, कुछ नहीं, एक दिन का ड्रामा होता है सबका। चीन में कभी रक्षाबंधन नहीं मनाया जाता, लेकिन आप लोगों को चीन की राखी चाहिए होती है, क्योंकि भारत की राखी महंगी आती है। किसने कहा है आपसे कि ये राखियाँ खरीदो? आपकी हिम्मत नहीं है भारत की राखी खरीदने की, तो आप पीला धागा बांधो ना, वही शुभ होता है। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये बातें अच्छी लगी होंगी, तो प्लीज़ स्वदेशी अपनाइए। भारत शुरू से गुलामी करता आया, पहले अंग्रेजों की, अब चीन की, अब चीन का गुलाम है वो, उसे चीन का ही सामान चाहिए होता है। क्यों? क्योंकि वो सामान बहुत अच्छा लगता है उसको, भारत का सामान इतना अच्छा नहीं लगता, सस्ता भी होता है चीन का सामान, भारत का सामान महंगा होता है, खरीदने की हिम्मत नहीं होती आदमी की। क्या आपने कभी देखा है जापान के लोग अपना खट्टा आम खा लेते हैं, लेकिन विदेश का मीठा आम नहीं खाते वो कभी? क्यों? क्योंकि वो अपने देश से प्यार करते हैं। आप लोग तो सिर्फ फॉलो करने वाले हो, कॉपी पेस्ट करने वाले हो, आपको विदेश का पहनावा अच्छा लगता है, अपने देश का पहनावा अच्छा नहीं लगता। अपने देश की इतनी अच्छा पहनावा दिया हुआ है, लेकिन आप लोग विदेश की तरफ भाग रहे हो। अगर कोई अपने देश का भी पहन लेता है ना, विदेश का नहीं पहनता, तो ये बोलते हैं कि इसका स्टैंडर्ड नहीं है, ये स्टैंडर्ड नहीं है इसके अंदर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।